हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे जनवरी से लेकर के और जुलाई तक की जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसको लेकर के यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और गाइज, ये वीडियो रेलवे हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 15 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में किसे आईसीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त करा गया। तो ये किसे करा गया, ये करा गया मनु साहनी जी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में और मनु साहनी ने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने ली है डेविड रिचर्डसन की जगह, ठीक है। और आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में यस बैंक का सीईओ किसे नियुक्त करा गया है। तो ये किसे करा गया, ये करा गया रवनीत गिल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे करा गया, ये करा गया नजीर अहमद को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं। तो ये कौन बने, ये बने रोनो जोय दत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिगो की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। और इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है दामोदरन। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया पश्चिम नौसेना कमान के प्रमुख कौन बने हैं। तो ये कौन बने, ये बने एडमिरल ए कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये कौन बनी, ये बनी मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व वेट लैंड्स दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 2 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जानवर घोषित करा गया है। तो ये किस राज्य में करा गया, ये करा गया पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर, और यहाँ के सीएम हैं अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया एनसीसी का महानिदेशक किसे नियुक्त करा गया है। तो ये किसे करा गया, ये करा गया राजीव चोपड़ा जी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया नए उच्च न्यायालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है अमरावती, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 4 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने। तो ये कौन बने, ये बने जुआन गाइडो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है कराकस, और यहाँ की करेंसी है पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कहाँ से रवाना की गई। तो ये कहाँ से करी गई, ये करी गई नई दिल्ली से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ये कौन शामिल हुआ, ये शामिल हुआ मैसेडोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त करा गया है, तो ये किसे करा गया, ये करा गया प्रदीप सिंह को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया लॉ जस्टिस एंड ज्यूडिशियल पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई मूलचंद शर्मा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया नई वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई, तो ये किस राज्य में करी गई, ये करी गई उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है देहरादून, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया भूटान में भारतीय दूत किसे नियुक्त करा गया है, तो ये किसे करा गया, ये करा गया रुचिरा कंबोज जी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की बात करें तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्फू, और यहाँ की करेंसी है नगुल तरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 13 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व रेडियो दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित करा गया, तो ये कहाँ पे करा गया, ये करा गया आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में किसे पवन हंस का CEO नियुक्त करा गया है, तो ये किसे करा गया, ये करा गया BP शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये किसने जीता, ये जीता बिनिश चुटगर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो ये कौन बनी, ये बनी हीना जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो ये कौन बना, ये बना JP Morgan। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और JP Morgan का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके CEO कौन है, तो ये हैं जेमी डिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया बैंडीकूट नामक रोबोट कहाँ पेश किया गया है, तो ये कहाँ पे करा गया, ये करा गया चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया प्यूमा का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे करा गया, ये करा गया मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यूमा के CEO कौन है, तो ये हैं बिजोरेन गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया PayU इंडिया के CEO कौन बने, तो ये कौन बने, ये बने अनिबान मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया पहली महिला आई न्यूज एंकर का अनावरण किसने किया है, तो ये किसने करा, ये करा चीन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चीन की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी की खोज किसने की, तो ये किसने करी है, ये करी है इंडोनेशिया ने।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया मेटा लाइफ टाइम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये किसे करा जाएगा, ये करा जाएगा महेश एल कुंचवार को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया मुहम्मदू बुहरी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये किस देश के बने, ये बने नाइजीरिया के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है अबूजा और यहाँ की करेंसी है नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 1 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया बॉब के अध्यक्ष कौन बने, तो ये कौन बने, ये बने हसमुख अधिया। और बॉब की बात करें तो बॉब का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया मैकेसेल किस देश के राष्ट्रपति बने, तो ये कहाँ के बने, ये बने सेनेगल के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेनेगल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है डकार और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने करा, ये करा गूगल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया प्रिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये किसने जीता, ये जीता अराता इजोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति कौन बनी है, तो ये कौन बनी, ये बनी काइली जेनर। और ये कहाँ की हैं, तो ये हैं अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया WHO की प्रमुख वैज्ञानिक कौन बनी है, तो ये कौन बनी, ये बनी सौम्या स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया सऊदी अरब में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसे करा गया, ये करा गया ओसाफा सईद को। और सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है रियाद और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल और जो रियल करेंसी है वो है ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया मिजोरम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे करा गया, ये करा गया जगदीश मुखी को। और जगदीश मुखी और कहाँ के गवर्नर हैं, तो ये हैं आसाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 8 मार्च को। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के थीम की, तो इसकी थीम है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये किसे चुना गया, ये चुना गया सादिक खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया ICC का 124वां सदस्य कौन बना है, तो ये कौन बना, ये बना मलेशिया। यहाँ से अगर बात करें तो ICC का यहाँ पे फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कंफ्यूज ना होइएगा, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया मोहम्मद शताया किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कहाँ के बने, ये बने फिलिस्तीन के। और बात करें यहाँ पे बता दूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया पहला प्रशामक देखभाल केंद्र किस राज्य में, किस राज्य को मिला है, तो ये किसे मिला, ये मिला जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया रियल मैड्रिड के कोच कौन बने हैं, तो ये कौन बने, ये बने ज़िनेदिन ज़िदान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया नोबल शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा, किसे नामित किया गया है, तो ये किसे करा गया, ये करा गया ग्रेटा थुनबर्ग को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया नाटो के नए सर्वोच्च कमांडर कौन बने हैं, तो ये कौन बने, ये बने जनरल टॉड वोलेटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी
किस राज्य में नियुक्त हुई हैं? तो ये किस राज्य में हुई? ये हुई मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया असीम जामाट टोकायेव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने? ये बने कजाकिस्तान के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया, और अगर बात करूँ यहाँ पे कजाकिस्तान को लेकर के, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान और यहाँ की जो करेंसी है वो है टेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया 5 वर्षों के लिए T20 लीग की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा अबू धाबी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये कौन बने? ये बने प्रमोद सावंत, और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने ली है मनोहर पारिकर की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया 2020 ओलंपिक मशाल का अनावरण किसने किया? तो ये किसने करा? ये करा टोक्यो ने, और टोक्यो किसकी कैपिटल है? तो ये है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये कौन रहा? ये रहा फिनलैंड। और अगर भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक रही है वो रही है 133। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में किस शहर का नाम बदला गया है? तो ये किसका बदला गया? ये बदला गया अस्ताना का, और अस्ताना का नाम बदल करके रखा गया है नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया यूएसए में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने? ये बने जिमी कार्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया टाटा कॉफी के सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने? ये बने चाको पुरैकल थॉम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया सुनील धवलीकर किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये किस राज्य के बने? ये बने गोवा के, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने थे प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया किस देश ने अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया है? तो ये किसने करा था? ये करा था थाईलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ बता दूं कि थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक और यहाँ की जो करेंसी है वो है बाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया एवरी वोट काउंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई नवीन चावला के द्वारा। और नवीन चावला की बात करें तो ये एक इंडियन राइटर हैं, साथ ही साथ 16वें चीफ इलेक्शन कमीशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता? ये जीता मेघना गुलजार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया किस रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग मिली? तो ये किसे मिली? ये मिली विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, और ये है कहाँ पे? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा 76वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के ध्वज अधिकारी कौन बने? तो ये कौन बने? ये बने राजेश पेंढारकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने? ये बने अजाली असमानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कोमोरोस की, तो कोमोरोस की जो कैपिटल है वो है मोरोनी और यहाँ की करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइलिंग हब कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया? ये खोला गया दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।